मत बढ़े। आप लोगों की चीज देता है कि सभी किसान लोग इकट्ठे रहे, इकट्ठे रहने के लिए इंकलाब आज ये 28-29 मार्च की राष्ट्रव्यापी हड़ताल सभी राज्यों में और पूरे इंडिया लेवल की हड़ताल है। ये दो दिन की सभी विभागों की, सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन मिलकर ये दो दिन की स्ट्राइक कर रहे हैं और ये स्ट्राइक भी लगातार जो मांग मुद्दे कर्मचारियों के चल रहे हैं, सरकार कई मांग मुद्दों को मानते हुए भी ये जायज़ मांगे हैं कर्मचारियों की उनको लागू नहीं कर रही। जैसे सबसे पहले तो उदाहरण अपने बीच में आप आंगनबाड़ी का ले लीजिए, लगभग 110-115 दिन से इनका हड़ताल लगातार अनिश्चितकालीन चली हुई है। इसमें कोई लंबी छोड़ी मांग नहीं है इनकी, 1500 रुपये वर्कर के और 750 रुपये हेल्पर के, जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में घोषणा करी थी बढ़ाने की, वो आज तक नहीं बढ़ाए, 2018 में बढ़ाने थे। एक तो इस मुद्दे पर हड़ताल आंगनबाड़ी की जो चल रही है उसका समर्थन हम कर रहे हैं। अभी जब जो प्रधानमंत्री ने मन की बात में अपनी बात बोल दी, देश का सर्वोच्च नागरिक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं, वो अपनी बात को पूरा नहीं करते तो आम जनता पर उसका गलत असर पड़ता है और जो बातें घोषणा करते हैं उनको लागू करना चाहिए। उसी वजह से कर्मचारियों में रोष है और जो ये हड़ताल है दो दिन की, ये इसमें सभी सबसे जो मेन मुद्दा है हमारा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का, जो 10-10, 15-15 सालों से विभागों में काम कर रहे हैं, पुरानी पेंशन पॉलिसी को बहाल करने का, जो एक MLA बनने के बाद पेंशन का हकदार हो जाता है एक दिन शपथ लेने के बाद, तो कर्मचारी को 58 साल तक सेवाएं देने के बाद इन्होंने जो हक था कर्मचारी का वो छीन लिया है, वो वापस बहाल करी जाए हमारी सेवाएं। और जितने भी विभागों से छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं, चाहे वो ड्राइंग टीचर हैं, PTI हैं या स्पोर्ट्स कोटे से ग्रुप डी के जो कर्मचारी निकाले हुए हैं, उन सभी छटनीग्रस्त कच्चे पक्के सभी कर्मचारियों को वापस दिया जाए नौकरी। आज कौन कौन से विभाग के कर्मचारी हैं? आज लगभग सभी विभाग, 108 ट्रेड यूनियन हैं अपनी जो सभी इसमें शामिल हैं, इंद्री के सभी विभागों के साथ यहाँ, जैसे मिड डे मील, आशा वर्कर, स्वास्थ्य विभाग और विद्यापक संघ, बिजली बोर्ड के साथी हैं, पब्लिक हेल्थ से हैं, नगर पालिका से हैं, फायर के हैं, सभी साथी यहाँ पे मौजूद हमारे बीच में और सभी कर्मचारियों में इस बात का रोष है। आगे दो दिन की हड़ताल है, दो दिन की हड़ताल में क्या कर्मचारी दिखाना चाहेंगे सरकार को इसके माध्यम से? कर्मचारी सिर्फ अपना शांतिपूर्वक तरीके से जो संविधान ने हमें हक दिया है अपनी मांगों को मनवाने के लिए, संविधान के दायरे में रह के हम अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं सरकार के सामने। भाई इतने कर्मचारी आपकी नीतियों से रुष्ट हैं, उनको सरकार बातचीत के माध्यम से उनकी मांग मुद्दों को सुलझाए ताकि जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें। और आज की हड़ताल में भी हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो भी आपातकालीन सेवाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की हैं, चाहे बिजली विभाग की हैं, चाहे पानी की है, उन सभी सेवाओं को हम जारी रखेंगे। किसी भी कर्मचारी का ऐसी मनसा नहीं है कि हम लोगों को या जनता को वही नुकसान पहुँचाएँ या सरकार का कोई नुकसान पहुँचाएँ, पर हमारे पास संविधान में दायरे में रह के हड़ताल से अलग कोई प्रदर्शन करने की हमारे पास ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है कि हम सरकार को जबरदस्ती मनवा सकें, या हमारा संविधानिक अधिकार है, उस दायरे में रह के हम अपनी मांगों को मनवा रहे हैं। ये सरकार बहुत ही निकम्मी सरकार है, ये वादे करके और मुकर जाती है। इन्होंने पहले वादे किए थे मेरे साथ, ये आपको मैं के पैरों पर रख देंगे, उसके बाद आपको पक्का किया जाएगा, उसके बाद भी ये मान रही हमारी सरकार, लाइटर जारी नहीं कर रही हमारे, इसलिए हम हड़ताल पर बैठे हैं। आज एक तरफ तो ये सम्मान मान सम्मान कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे को जूते मारे जा रहे हैं, महकमे से निकालने की नौबत आ गई है। क्या 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 अपने मर्जी से ही कानून लागू कर रहे हैं, उसके बाद पन क्या क्या दिखा देखने को मिल रहा है हमारे को तो इस चीज़ में। ये तो रोष प्रदर्शन है जी हमारा, बहुत ही निंदा कर रहे हैं हम सरकार की। रक्षित आदमी नहीं जी, ये कोई भी सुरक्षित नहीं है, ये तो अंधकार में जीवन जाते दिख रहा है। जिसकी उम्र 50-55 साल हो गई, 19 साल की सेवाएं दे दी जिन्होंने फायर ब्रिगेड में कच्चे रहते हुए, उनको बिल्कुल अंधे हो गए। तो जी देखेंगे जी 28-29 की हड़ताल है, इसके बाद क्या लंबा आंदोलन चल सकता है और हम इसमें भरपूर सहयोग देंगे। मांगे तो ऐसे हैं प्रधान जी, जैसे इन सरकार ने आज तक दिया ही कुछ नहीं है। कितने साल हो गए हमारी मिड डे मील बहनों को, आज तक कोई पैसे की बढ़ोतरी नहीं करी, इतनी रैली कर दी, इतने प्रदर्शन कर दिए, जो भी हमारा घिसा पीटा काम है ना मिड डे मील से करवाया जा रहा। जब हमारी हड़ताल की कॉल जाती है ना,
हमारे को मजबूर किया जाता है, कोई ऐसा लेटर निकाल देते हैं वो ना घर जा सका, ना स्कूल जा सका, ना हड़ताल में जा सका, ऐसे लेटर निकाल देते हैं। हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, जब हम कर्मचारी का दर्जा ही नहीं दिया हमें, ना कच्चे ना पक्के, सरकार हमें इतना मजबूर भी करी, तो हमारी सैलरी भी 24,000 होनी चाहिए, क्योंकि मिड डे मील वर्कर विधवा बहने हैं, जो हमारी सैलरी 3,500 रुपये है, जिसमें से 10 महीने की मिलती है, जिसमें बर्तन मानते हैं और झाड़ू मारते हैं, लैटरिंगा भी साफ करते हैं, और जितने दरख जो भी काम है स्कूल के अंदर सब हमारे से करते हैं, और हमारे मास्टर भी क्या करें, मास्टरों की भी बहुत कमी है, इसीलिए अब जब